हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 8 o'clock है और अभी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग शायद नागपुर जाएंगे। तो अभी हम लोग जबलपुर में हैं। अब हम लोग चेकआउट करके अब यहाँ से हम लोग हैदराबाद, नागपुर होते हुए हैदराबाद जाएंगे। तो चलें, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये इस तरह से इसका कॉरिडोर है। प्रॉपर्टी अच्छा है लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। तो एक हम लोग, ये हमारा एक दूसरा रूम था, सब कुछ देख लो एक बार। तो ये इसका रिसेप्शन है होटल का और हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे नीचे कार पार्किंग में जा रहे हैं। आराम आराम से आ जाओ, आ जाओ। तो ये इसका पार्किंग है और ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है। हम लोग रात में आए थे तो मालूम नहीं चला था। एक अच्छा रिसोर्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे। कल रात को बारिश हुई है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा। तो ये इसका गार्डन एरिया है। आई लव सुकून, ये होटल है। इसके बगल में एक अच्छा खासा पानी वाटर का स्ट्रीम है। तो उसको हम एक बार दिखा देता हूँ मैं। यहाँ भी मंकी भी दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पानी का स्ट्रीम। और इसके बगल में आप बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। लग रहा है ना, मतलब हमने ये नर्मदा नदी का कुछ ही डैम से पानी आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना, है इसलिए कल हाँ नजर नहीं हट रहा है, मतलब इतना अच्छा नजारा। लेकिन अच्छा है, हाँ वहाँ भी उधर भी बनाया हुआ है, बट उधर भी बैठ के आप यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग, कल तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो अभी इस होटल को करते हैं बाय बाय और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। स्टार्ट कर दिए हैं इंजन को, तो अभी हम लोग इस जर्नी को शुरू करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। देखिए हम लोग जैसे ही निकले जबलपुर से, यहाँ पे बारिश हो रही है। देखिए ये मई के मंथ में यहाँ पे बारिश देखने को मिल रहा है। जब हम लोग आए थे तो हमको नागपुर में मिला था बारिश, अब ये जाते समय हमें मिला जबलपुर में। देखते हैं नागपुर में भी बारिश हो रही है क्या। वहाँ भी वेदर एकदम कूल कूल हो गया है। वेदर एकदम कूल हो गया है। ये जबलपुर 8 बजे का नज़ारा है, मॉर्निंग का नजारा। पूरा रोड खाली है। तो हमने इस सुकून के लिए हम लोग जो टैरिफ पे किए हैं वो है 3000 फॉर 2 रूम। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि बीच बीच में लाइन भी कट रहा था और कोई पावर बैकअप नहीं था, बेड भी उतना मेंटेन्ड नहीं था, ठीक ठाक था। मीन्स आप अगर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑर्बिट हम लोग भी ट्राई किए थे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था। अभी हम लोग को बता रहा है कि 12 आवर्स लगेगा, 12 घंटा लगेगा हम लोग को हैदराबाद पहुंचने में। हैदराबाद नहीं, हमारे जस्ट घर तक पहुंचने में हमारा जो डिस्टेंस है वो 750 किलोमीटर के आसपास में वो डिस्टेंस है जो हमें आज ट्रेवल करना है। और एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 12 आवर्स। हम रात के 8 और 9 बजे के आसपास में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो
इस तरह से इस बारिश का मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग फिर से ये घाटी वाले रोड पे आ गए हैं। जबलपुर से पहुंचने से पहले ये एक घाटी वाला रूट है जो यहाँ से हमें ये घाटी क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से घूम के फिर ऊपर की तरफ कट करके बनाया गया है ये रोड। रोड ट्रिप में तो इसी का तो मजा है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं न्यू शिवहरे होटल एंड रेस्टोरेंट। जैसे ही बढ़े हैं जबलपुर से तो उसके बाद ये रेस्टोरेंट हम लोग को दिखा है। अभी हम लोग सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट या कुछ भी नहीं किए हैं, टी भी नहीं लिए, तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से टी ब्रेकफास्ट ले लिए हैं। ये ज़्यादा नहीं है, जबलपुर से आगे जैसे ही बढ़े हम लोग घाटी क्रॉस किए हैं तो उसके बाद ये मिला है। यहाँ अच्छा खासा कुछ मिल रहा है हम लोग खाने के लिए। हाँ देखिए पोहा, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, रसगुल्ला, पोहा अच्छा है ना। अभी हम लोग पोहा ऑर्डर किए थे, पोहा समोसा, तरुण के लिए समोसा और हम चारों के लिए पोहा और ये पता नहीं चना की सब्जी है शायद। कैसा स्नेहा? अच्छा है, पर चने की सब्जी उतना टेस्ट नहीं है। तो इग्नोर करो मम्मी, तो ये जो है सो हाईवे है। जस्ट हाईवे के हम लोग बगल में ही यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिए हैं और ये है न्यू शिवहरे होटल। अच्छा है, ब्रेकफास्ट के लिए टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। बोलो 12 घंटा में गाड़ी में बैठना है तो कब इसको भूख लग जाए तो खाते पीते चलेंगे। अब रुकेंगे सिर्फ लंच के लिए। ओके चलो। और ये मौसम देखिए कितना मौसम जो है सो पूरा क्लाउडी वेदर, रेनी सीजन जैसा लग रहा है। पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी 10 बज रहा है, बारिश स्टार्ट हो रही है। हाँ धीरे धीरे बारिश कहीं कहीं हम लोग को मिल रही है। और ये देखिए शानदार पैरानोमिक व्यू जो है सो रोड का ऊपर से हम लोग को दिख रहा है एकदम नीचे एक तक। तो इस तरह से हम लोग अपनी जर्नी को आगे करते हुए देखिए आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बूंदे, ये रहा बूंदे स्टार्ट। ये देखिए अभी बारिश हो रही थी और बारिश अब खत्म हो गई तो एक ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर में हमें धूप भी मिल रहा है, बारिश भी मिल रहा है, क्लाउडी वेदर भी मिल रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को और इस मजे को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी निकला करो। आप निकलोगे तभी तो ये सब मजा कर पाओगे, तो घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। आप भी निकलिए, निकल के आइए रोड पे और इस रोड ट्रिप का मजा लीजिए।
आप मेरे वीडियो को देखते हुए रेफरेंस ले लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ पे कहाँ रुक रहे हैं। आप अपने अनुसार उसके अपने अनुसार जो है सो फिर से प्लान कीजिए और आइए रोड ट्रिप पे। रोड अच्छे हो गए हैं, जहाँ भी जाइए आप नॉर्थ से साउथ कहीं भी जाइए रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। तो पहले जैसा अब नहीं रह गया है कि अब आप रोड ट्रिप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत हेक्टिक होगा, बहुत ईजी हो गया है रोड ट्रिप। सिंह ढाबा यही पे, नहीं यही पे, ये बंद है, डीजल बंद है। डीजल क्यों बंद रहेगा, ये ढाबा बंद है, अभी खुला भी नहीं है। आज हम लोग जल्दी जल्दी आ गए हैं, सुबह सुबह आ गए, तो आज हमारा यहाँ लंच का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपने खुद से जैसे डीजल लेना है। क्या बात, नहीं करे चाहिए। ये किसके साथ आप बोले हो कि कोलैबोरेट करके जियो का? ब्रिटिश पेट्रोलियम। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ ये जियो का कोलैबोरेशन है। ये देख रहे हो आप जियो पेट्रोल बैंक, पेट्रोल बंक। पहली बार हम यहाँ से डीजल ले रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि डीजल का क्वालिटी अच्छा है यहाँ पे, देखते हैं इस बार चला के। इसमें यहाँ पे अच्छा खासा वॉशरूम भी है। पिंच नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से नागपुर 80 किलोमीटर है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और अभी हम लोग पिंच नेशनल पार्क पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा डिले चलाना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये पार्क मैंने क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि बहुत जो है सो टर्निंग वाला रोड है, पूरा घूम घूम के जो रोड बना हुआ है, तो जिसके कारण ये देखिए फिर से यहाँ से घूमना है फिर आगे जाके लेफ्ट लेना है। और यहाँ पे इस हाईवे पे तुरिया गेट है पिंच नेशनल पार्क का। क्या भूख लगा हुआ है किसी को? नहीं नहीं, नहीं। वो चलते रहता है तो नींद नहीं आता है, थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लग जाता है ड्राइव करते हुए। बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं खाते गाड़ी चलाते हुए। जलजीरा नींबू पानी। पॉकेट में क्या है? पॉकेट में तक वाटर बॉटल ले लिए, कैसे लिए चारों तरफ से। मीठा खाने के बाद हल्का हल्का मुझे नींद आने लगा है, तो गए हैं थोड़ा सा नींबू पानी पिए, थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा पानी आँख पर मारे हैं और फिर से फ्रेश लग रहा है। तो अभी भी हम लोग पिंच नेशनल पार्क क्रॉस नहीं किए हैं, अब क्रॉस करने वाले हैं। देखिए हम लोग नागपुर जैसे ही पहुंचे, अभी पहुंचने वाले हैं नागपुर, फिर से हल्का हल्के जैसे बूंदा बूंदी जैसे शुरू हो गई है। विंड शील्ड पे दिख रहा होगा, तो ये बारिश शुरू हो गई है। तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, जब से हम लोग निकले हैं जबलपुर से तब से तो इस तरह से ही एकदम क्लाउडी वेदर है। कहीं कहीं बीच में धूप हो रही है लेकिन उसके बाद फिर से ये सेम वेदर। हम लोग ऑलमोस्ट नागपुर पहुंच गए हैं, हम लोग नागपुर बाईपास होते हुए हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock, हम लोग 8 o'clock निकले थे जबलपुर से,
तो ऑलमोस्ट हमें लग गया 4 आवर्स नागपुर पहुंचने में। उसमें बीच में हम लोग ब्रेक भी लिए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर का ब्रेक लिए होंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए टी। तो अब यहाँ से हम लोग 30-40 किलोमीटर और जो है सो जाएंगे, क्रॉस करेंगे बाईपास पर, तो हम लोग नागपुर हैदराबाद वाला रोड पे पहुँच जाएंगे। सो अभी भी NH 44 पे ही हैं हम लोग, और एक और टोल आ गया हमारा सामने, और इस तरह से हमें प्लीज प्रोसीड है फास्ट वाला था। अभी हमारा जो पेटीएम काम करना बंद किया, अभी भी उसको क्लीन नहीं कर पाए, जिसके कारण अभी भी हम ऐसे ही हाथ से यूज कर रहे हैं फास्ट टैग को। बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं, अब यहाँ से हमें लेना है राइट। यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास में आने के बाद राइट लेना रहता है। पिछले बार हम लोग चाय पिए थे, इस बार नहीं आगे बढ़ते हैं। और अब टाइम हो रहा है 1:30, और ये जो रोड है वो हिंगन घाट होते हुए निजामाबाद, निजामाबाद होते हुए हम लोग जो है सो हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो इस रूट का कंडीशन तो ठीक ही था, एक दो जगह पे कहीं पे डाइवर्शन था जिसके कारण ट्रैफिक था वहाँ पे ट्रक की, बाकी रोड बढ़िया है। हम लोग चले थे 8 o'clock फ्रॉम जबलपुर, तो कितना 5 आवर्स लगा हम लोग को नागपुर इस रोड में आते हुए। तो यहाँ पे हिंगन घाट जो है सो 10 किलोमीटर, उसके बाद हैदराबाद 427 किलोमीटर। चलिए ये तो रोड हम लोग आए थे इसी रोड से जा रहे हैं। हमारा जो पहला ब्लॉक था जो हम लोग आए थे हैदराबाद से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग जब स्टार्ट किए तो जाना था हम लोग को घर, लेकिन हम लोग बीच में चले गए अयोध्या। तो हम लोग जो शुरू किए थे अपना हैदराबाद से नागपुर, नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से रीवा, और रीवा से हम लोग कट गए थे, हम लोग मिर्ज़ापुर ना जाके इलाहाबाद गए थे, और इलाहाबाद से हम लोग चले गए थे अयोध्या। अयोध्या में श्री राम का दर्शन किए, तो हम लोग वहाँ से सुल्तानपुर आए, सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के गाजीपुर, और गाजीपुर से बलिया बक्सर होते हुए आरा, और हम छपरा मुजफ्फरपुर। तो ये हमारा कंप्लीट रूट था जाने का। आने का जो हमारा रूट हुआ वो हम लोग चले थे मुजफ्फरपुर से, हम लोग आए पटना, हाजीपुर दिग्गा पुल क्रॉस किए, और उसके बाद हम लोग आए बेहटा, बेहटा से आरा, और आरा से मोहनिया, मोहनिया होते हुए मिर्ज़ापुर। बनारस हम लोग गए नहीं, बनारस से 10 किलोमीटर इधर ही हम लोग टर्न ले लिए मिर्ज़ापुर के लिए, मिर्ज़ापुर से हम लोग रीवा, और रीवा से मैहर जबलपुर, जबकि हम लोग रात में जबलपुर रुक गए थे क्योंकि जबलपुर हम लोग 7-8 o'clock के आसपास पे पहुँचे थे। फिर हम लोग जबलपुर से नेक्स्ट डे सुबह जो है सो आज हम लोग स्टार्ट किए, और हम लोग सिवनी नागपुर होते हुए अब चले जाएंगे हैदराबाद। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रिप है, और अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लंच टाइम हो गया है 1:30, तो कहीं पे लंच कर ले, और उसके बाद हैदराबाद के लिए सीधे डिनर हैदराबाद में। क्या बच्चे है? कैसा रहा तुम लोग का ट्रिप? अच्छा था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 2 years, 1 year, 2 years।
लास्ट टू लास्ट ईयर तो हम लोग वहाँ गए ही थे। वायनाड कब गए थे? इसी टाइम हम लोग तो इसी टाइम लास्ट ईयर ही गए थे ना वायनाड, भूल गया वो समर वेकेशन में। यहाँ से हैदराबाद 358 किलोमीटर है, लेकिन इससे पहले जो रोड है ना वो अच्छा रोड नहीं है, बहुत सारे पैचेज में टूटे हुए हैं रोड, और ज़्यादा टूटा नहीं है लेकिन फिर भी पैचेज में टूटे हुए हैं, जिसके कारण आप स्मूथली गाड़ी नहीं चल रहा, इधर से उधर टापटक टापटक करके गाड़ी आगे बढ़ रही है। रोड का कंडीशन थोड़ा बहुत, ये महाराष्ट्र मुझे पहले भी डाउट था कि कंडीशन सही होगा, एक बार तेलंगाना आ जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि रोड का कंडीशन, रोड कंडीशन अच्छा है तो समझ लीजिए कि तेलंगाना आ गया। और नागपुर से निकलने के बाद खाने का कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अभी ऑलमोस्ट हम लोग 100 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं लेकिन हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला खाने के लिए, अभी भी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं कि खाना कहीं मिल जाए। ये फिर से ये घाटी रोड है, ये देखिए रोड टूटा हुआ है बहुत सारे जगह पे, और इस तरह से पूरा नागपुर के पास में बहुत सारे होटल थे जहाँ पे हम लोग लंच कर सकते थे, लेकिन हम लोग उसको मिस कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और जैसे ही ये आदिलाबाद हिंगन घाट ये सब क्रॉस किए तो कुछ अच्छा ढंग का फैमिली रेस्टोरेंट दिखा नहीं। अब यहाँ आने के बाद आज बहुत आगे आने के बाद हमें एक फैमिली सेक्शन दिखा है तो इसके लिए वहीं पर रुक गए हैं, वहीं पे ऑर्डर कर दिए हैं, खाना जो भी मिलेगा वो खा लेंगे। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ये शायद आदिलाबाद क्रॉस करने के बाद मुझे ये होटल दिखा है। ये हमारा आ गया है दाल फ्राई और चना दाल, ये हमारा रोटी भी आ गया है, खाना तो हम लोग खा लिए किसी तरह, थोड़ा बहुत पेट भर लिए, अब निकलते हैं घर की तरफ। खाना तो उतना अच्छा नहीं था फिर भी जब हम लोग को भूख लगी थी बड़ी जोर से तो हाँ तो खा लिए हैं, मैंने कुछ ढंग का एक फैमिली रेस्टोरेंट हमको दिखा नहीं है, नागपुर में ही खा लीजिए उसके बाद आगे ना, नहीं तो फिर हैदराबाद के पास में बहुत सारे होटल वगैरह ऑप्शन हैं। हम लोग अगर वेट कर दे तो फिर लेट हो जाता, तो हम लोग सोचे जल्दी खा लें क्योंकि ऑलरेडी 3:34 o'clock हो गया है लास्ट है इसका, तो फिर हम लोग को मिलता नहीं कुछ, तो इसीलिए हम लोग जल्दीबाजी में जो भी मिला हम लोग खा के निकल रहे हैं। क्या तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से रोड ट्रिप में इस टाइप से होते रहता है, कभी अच्छा मिलता है कभी कभी बुरा मिलता है, और जो मिलता है उसी से मैनेज करना पड़ता है। चलिए ऑलरेडी हम लोग कामारेडी पहुंचने वाले हैं, अब ऑलमोस्ट ये कामारेडी का चेक पोस्ट है, यहाँ पे अभी इलेक्शन का टाइम है तो इसलिए पुलिस पूरा चारों तरफ से सिक्योरिटी, और यहाँ पे हम लोगों ने टी ऑर्डर कर दिया है, ढाबा भवानी फैमिली ढाबा, तो उसके बाद ये हमने टी ले लिया है यहाँ पे वाटर बोतल के साथ, और थोड़ा सा अपने पैर को भी ये करते हुए, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, होने वाला है सनसेट, और अभी भी हमें 150 किलोमीटर ड्राइव करना है, 2 hours अभी भी लगेगा।
अच्छा है, अच्छा है। अभी जो नागपुर का NH 44 रोड है हैदराबाद टू नागपुर, जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है, 2-3-4 जगह पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो कुछ तो काम चल रहा है। पहले इतना ज़्यादा दिखता नहीं था, 1-2 ही दिखता था, लेकिन आज अभी जो जाने के समय भी और आने के समय भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, जिसके कारण डाइवर्शन बना हुआ है। और देखिए पूरा ट्रक, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है और इस तरह से हम्स बने हुए हैं, ये देखिए। अदरवाइज रोड तो बढ़िया है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ काम चल रहा है, लग रहा है कि बहुत सारे जगह पे अंडरपास बन रहा है, जिसके कारण जो भी जितने भी छोटे मोटे सिटीज़ हैं उसमें अंडरपास, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और उसका रोड को वाइडिंग मैंने चौड़ा कर रहा है, तो जिसके कारण ये ट्रैफिक आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा यहाँ पर। अभी भी हमें 125 किलोमीटर ड्राइव करना है हैदराबाद पहुंचने के लिए, और अभी भी बोल रहा है कि 2.5 आवर मुझे लगेगा अभी ड्राइव करने में। अभी टाइम हो रहा है 6:25, एस्टिमेटेड टाइम तो हमें बता रहा है कि अराउंड 9:00 मैं हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। एग्जिट ले लिए हैं, अब यहाँ से 10 किलोमीटर है मेरा घर, तो हम लोग पहुँच गए अपने हैदराबाद अपने घर पे, ऑलमोस्ट यहाँ से लेंगे तो हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अभी टाइम हो रहा है 8:45, ऑलमोस्ट हमें 13 आवर्स लग गया जबलपुर से हैदराबाद आने में, थोड़ा सा हेक्टिक है आज का। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।